हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा शॉपिंग वीडियो हॉल। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैंने शॉपिंग किया हुआ है GKM ब्लॉक मार्केट से एंड DLF रामीडाट माई ऑल टाइम फेवरेट सेफोरा से और कुछ ऑनलाइन शॉपिंग है नायका से। तो यस, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो मैंने शॉपिंग किया हुआ है GK1 से, ये है मेरा नोट पैड और ये बहुत क्यूट सा नोट पैड है। और मुझे नोट पैड शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि क्या होता है, मैं जब भी शॉपिंग के लिए जाती हूँ तो मैं सब कुछ राइट डाउन कर लेती हूँ कि मुझे क्या क्या शॉपिंग करना है। अदरवाइज़ क्या होता है कि जो मेन शॉपिंग करना होता है वो हम भूल जाते हैं। तो गाइस, ये ट्रिक आप भी अपना सकते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं कि पहले आप शॉपिंग जाने से पहले सब कुछ राइट डाउन कर लो अच्छे से अपने नोट पैड में और उसके बाद आप शॉपिंग करो। यस गाइस, मुझे ऑनलाइन नायका से ऑर्डर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब भी मेरा कॉस्मेटिक कुछ ख़त्म होता है तो मैं नायका से फटाफट ऑर्डर कर लेती हूँ। एंड यस, तो सबसे पहले जो मैं बात करूँगी ऑनलाइन नायका से, मैंने मैक का 24 आवर्स काजल, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इसकी जो प्राइस है वो है 675 रुपीस और ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है गाइस। आई लव मैक के प्रोडक्ट, बट इसका काजल तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मैंने बहुत से ब्रांड यूज़ किया हुआ है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, दिस वन इज़ माय यू नो ऑल टाइम फेवरेट आई गेस। और नायका पे कुछ ऑफर चल रहे थे जिससे कि मुझे फ्री इसका दैट मेकअप स्प्रे सेटिंग, मेकअप स्प्रे सेटिंग मिला हुआ है, दैट वन इज़ प्री प्राइम, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब आप मेकअप कर लेते हैं तो यू नो सेटिंग स्प्रे कर लो, इससे आपका मेकअप जो होता है लॉन्ग लास्टिंग चलता है। या सो गाइस, नायका से जो मेरा सेकेंड बॉक्स है वो है कामा के प्रोडक्ट और मुझे कामा का रोज़ वाटर बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत सी बॉटल, आई डोंट नो हाउ मेनी बॉटल आई यूज एक्चुअली। और कामा का जो है प्योर रोज़ वाटर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, खासकर इस समर में तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ एंड आई डोंट रिमेम्बर कि मैं कितने बॉटल्स यूज़ कर चुकी हूँ। तो मैंने कामा का ये जो है मिनी रोज़ वाटर ऑर्डर किया था और इसकी प्राइस है 275 फॉर 50 ml और ये बहुत ही अच्छा यूज़ है, आप भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको फेस का सूट करता हो, क्योंकि मेरे फेस को तो ये बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। मैंने सोचा क्यों ना कुछ कामा के नए प्रोडक्ट भी ऑर्डर किए जाएं, तो मैंने इसका हेयर ऑयल ऑर्डर किया हुआ है और इसकी जो प्राइस है दिस वन इज़ 450 और लेट्स सी, मैं यूज़ करने के बाद रिव्यू दूंगी कि ये कैसा है 50 ml। और कामा पे कुछ ऑफर चल रहा था जिससे कि मुझे कुछ मिनिएचर्स मिले हैं, आई थिंक 1550 का ऑर्डर करने पे आपको कुछ मिनिएचर फ्री मिलते हैं जब वहाँ पे ऑफर होता है। फिर तो मुझे मिला है मिनी रोज़ वाटर एंड सेकेंड बॉटल जो है ये है कामा का हेयर क्लींजर जो कि बहुत छोटा है मेरे बालों को हेयर वॉश करने के लिए। सो लेट्स ट्राई कैसा है। एंड कामा का ये है ऑयल ट्रीटमेंट, ये भी मैं यूज़ करूँगी और आपको बताऊँगी कि ये कैसा है मेरे बालों के लिए। और कामा का जो है एक मिनी मुझे फेस क्रीम भी मिला है क्योंकि मैंने यूज़ कर लिया है इसे और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मैं इसका बड़ा बॉक्स ऑर्डर करने वाली हूँ क्योंकि मिनिएचर से हमें समझ आ जाता है कि बड़ा बॉक्स ऑर्डर करना है या नहीं करना है। तो जब भी आप अगर कुछ न्यू फेस प्रोडक्ट बाय कर रहे हो तो मुझे लगता है मिनिएचर हमें खरीद लेना चाहिए, जिससे कि क्या होगा मिनिएचर खरीद लेंगे तो हमें पता चल जाता है कि बड़ा बॉक्स लेना है या नहीं लेना है। बिकॉज गाइस, कामा के प्रोडक्ट्स थोड़े एक्सपेंसिव हैं तो बेटर होगा कि हम इसके मिनिएचर ट्राई कर लें, अगर वो हमारे फेस को सूट करता है तो फिर इसके अकॉर्डिंग हम अपना बड़ा बॉक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। सो या गाइस, ये है कामा के प्रोडक्ट्स जो कि मैंने नायका से शॉपिंग किया हुआ है। सो गाइस, मैंने GKM ब्लॉक में क्या शॉपिंग किया हुआ है, अब इस बॉक्स को ओपन करते हैं। या तो सबसे पहली जो मेरी शॉपिंग किया मैंने वेगा का ये है कॉम्ब। एक्चुअली मेरे बाल लंबे हैं तो मुझे ये वेगा का जो है थोड़ा मोटे दांतों वाला जो कॉम्ब है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। होता क्या है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, लंबे बाल हैं तो अगर मैं पतले कॉम्ब जो होते हैं वो यूज़ करूँगी तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, तो मेरे लिए बड़े दांतों वाला ब्रश बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये मैंने खरीदा हुआ है
और इसकी जो प्राइस है वो है 225। एंड इसके मैं दो तीन ऑलरेडी पहले यूज कर चुकी हूँ। और मैंने GK1 एंड ब्लॉक से कुछ एक्सेसरीज की शॉपिंग की हुई है, क्योंकि मुझे एक्सेसरीज खरीदना बहुत ही ज्यादा पसंद है और मैं एंड ब्लॉक से एक्सेसरीज ना लूँ ऐसा तो हो नहीं सकता है गाइस। तो मैंने W से ये लिया बैंगल, जो कि बहुत ही सुंदर वर्क है, इसके पर्ल का वर्क है एंड व्हाइट एंड डार्क पिंक कलर। और इसको आप साड़ी के साथ, सूट के साथ और किसी भी पार्टी फंक्शन में यूज कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लगा मुझे और मैंने इसे देखते ही सोच लिया कि इसे मैं खरीद लेती हूँ। और इसकी प्राइस थी 450 W's का है ये। और कुछ एक्सेसरीज मैंने और भी शॉपिंग किया हुआ है। यस, मैंने एक नेल पेंट लिया ब्राउन कलर का, क्योंकि मैं हमेशा पिंक और पीच कलर का नेल पेंट यूज करती हूँ, लाइट कलर। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार कुछ डार्क कलर यूज करूँ मैं। तो मैंने ये ब्राउन कलर का नेल पेंट खरीदा, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये मेरे इयररिंग्स हैं, ये हैं गोल्ड और मैट फिनिश ब्लैक कलर का वर्क है, जो कि मुझे बहुत ही सुंदर लगे, तो इसे मैंने खरीद लिया। और इसकी प्राइस थी आई गेस 300। और एक इयररिंग मैंने खरीदा, ये है ब्राउन और पीच कलर का मैट फिनिश। मुझे मैट फिनिश की जो इयररिंग्स या कुछ भी होता है मुझे बहुत पसंद आता है। और इसकी प्राइस भी थी 450। और ये मैंने नेकलेस खरीदा जिसपे बना हुआ है बटरफ्लाई। एंड गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इनकी लाइफ बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होती है। और एक्चुअली जहाँ से मैंने ये लिया दैट रोज गोल्ड नेकलेस, दैट गाइज वाज लाइक कि वो एक्चुअली प्राइस इसकी कम नहीं कर रहा था। ही वाज लाइक कि मैम अगर ये ना इसका कलर फेड हो जाए तो आप वापस ला कर दे देना। तो फिर भी लाइक ही ऑफर मी और 1500 समथिंग, लेकिन जब मैंने बहुत बार्गनिंग करी तो ये मुझे मिल गया 1000 रुपीज में। और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है गाइस, आई लव दिस। और इसी से मैंने कुछ फुटवेयर की शॉपिंग की हुई है, ये है अर्बन में फुटवेयर एंड एक्सेसरीज, और GK1 में है ये। एंड इनका जो ब्रांच है GK1 द्वारका एंड पटेल नगर, ये है न्यूट कलर। जैसा कि आपको पता है मुझे न्यूट कलर बहुत पसंद है और ये बहुत कम्फर्टेबल है गाइस। और ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सब पे जाने वाला है, न्यूट कलर का है एंड वेरी कंफर्टेबल। मेरा पैर बहुत सेंसिटिव है तो मैं प्रेफर करती हूँ कुछ बहुत ही कंफर्टेबल फुटवेयर पहनना या ब्रांडेड फुटवेयर पहनना। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। और इसकी जो प्राइस है, लेट मी चेक, इसकी जो प्राइस है वो है अराउंड 2200। और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है ये। ये मेरा सेकेंड फुटवेयर है लाइक वेज हिल, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और इसको आप ऑफिस वेयर, पार्टी वेयर, लंच और डिनर कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। और ऑफकोर्स ये भी पीच कलर है, जैसा कि आपको पता है मुझे पीच कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसकी जो प्राइस है वो थी अराउंड 1600 और समथिंग, या 1600 थी, और आफ्टर डिस्काउंट मुझे मिला 1200 का। और ये बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही सुंदर भी है, और मैं इसे बहुत ज़्यादा पहनने वाली हूँ। और इस शॉप से जो है सुपर हॉट गर्ल, इस शॉप से मैं बहुत ज़्यादा फुटवेयर और इसका फुटवेयर बहुत ही ज़्यादा चलता है, लाइक मैंने तो बहुत बार खरीदा हुआ है और ये बहुत अच्छा चलता है। और गाइज, ये मेरा जो थर्ड बॉक्स है, ये भी सेम जगह से मैंने शॉपिंग किया हुआ है। और ये बिल्कुल फ्लैट है और जैसा कि आप देख सकते हैं ऑफकोर्स गोल्ड एंड पीच कलर। आपको लगता होगा कि ना पीच कलर का तो इसे बहुत ही ज़्यादा शौक है। एक्चुअली गाइस, मुझे पीच और पिंक कुछ भी दिखता है ना तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसे खरीद ही लूँ। और ये फ्लैट है और बहुत ही सुंदर है और मैं इसको बहुत ज़्यादा पहनने वाली हूँ। और मैंने एक ब्लैक कलर की जींस खरीदी है GKM ब्लॉक से, जो कि मुझे बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक लगा और ये बहुत ही कंफर्टेबल लगा। और मेरे सामने पूरे कैरी बैग्स मेरे बेल्ट पे फैल चुके हैं। एंड एक मैंने क्लीनिंग के लिए हैंड ग्लव्स लिया हुआ है, ये बहुत ही प्यारा कलर लगा मुझे। तो
जब मुझे क्लीन करना होता है माय बेडरूम और एनीथिंग एल्स तो मैं ये ग्लव्स को पहन लूँगी और क्लीन करने वाली हूँ। प्यारा कलर था पर्पल कलर, तो मैंने इसे खरीद लिया। तो गाइज ये था आज का मेरा शॉपिंग वीडियो हाल, एंड कुछ मैंने ऑनलाइन नायका से ऑर्डर किया था और जीके वन एम ब्लॉक से शॉपिंग किया था। इसका मैं पार्ट टू भी बनाने वाली हूँ, जिसमें कि मैं डीएलएफ ब्रामीनार्ड से क्या शॉपिंग किया हुआ है और लाजपत नगर से, क्योंकि अगर मैंने इसे कंटिन्यू बनाया तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा और आप हो जाएंगे बोर। तो गाइज कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरा जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। सो या गाइज बाय बाय।